वेस्टइंडीज में चल रहे अंडर-19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को सुपर लीग क्वार्टर फाइनल 3 में हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 119 रनों से यहां पे मात दी है और ऑस्ट्रेलिया ने अपने बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों के अच्छे परफॉर्मेंस की बदौलत पाकिस्तान को 119 रनों से रौंद कर वेस्टइंडीज में जारी ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। ऑस्ट्रेलिया ने सुपर लीग क्वार्टर फाइनल में खेले गए मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 276 रन का मजबूत स्कोर बनाया था। टीम के लिए टिग विले ने 97 गेंदों पर 71 रन मारे थे, कॉरी मिलर ने 75 गेंदों पर 64 और कॉम्परवेल केलावी ने 47 और कप्तान कूपर कनाली ने 33 रनों का योगदान दिया था, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया टीम 276 का स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो गई थी 7 विकेट के नुकसान पे। और पाकिस्तान की ओर से कप्तान कासिम अकरम ने सर्वाधिक 3, अवैस अली ने 2 और जिशान अली तथा मेहरान मुमताज ने अपने खाते में 1-1 विकेट डाले। सेमीफाइनल में अब बुधवार को ऑस्ट्रेलिया का सामना भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल की विजेता टीम से होगा। भारत और बांग्लादेश 2020 के फाइनल में एक दूसरे से थे, जहां बांग्लादेश ने भारत को हरा कर किताब अपने नाम करा था। भारत के पास आज क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश से बदला लेने का अच्छा खासा मौका है। 277 रनों के लक्ष्य का जवाब में पाकिस्तान की टीम की शुरुआत काफी खराब रही और उसने 100 रन के अंदर ही अपने 7 विकेट गंवा दिए। इसके बाद पूरी टीम 35.1 ओवर में 157 रन पर ढेर हो गई। टीम के मेहरान मुमताज टॉप स्कोर रहे, जिन्होंने 29 रनों का योगदान दिया। उनके अलावा अब्दुल फसी ने 28 और इरफान खान ने 227 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए विलियम्स टेल्डन ने 3, टॉम वाइटन ने और जैक्सन फील्डर ने 2-2 विकेट चटकाए। जी हाँ, और इस तरीके से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम 119 रनों से यहाँ पे उनको हार का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, इस ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में शनिवार 29 जनवरी की शाम को भारत और बांग्लादेश के बीच भिड़ंत होनी है। भारत के पास बांग्लादेश से हिसाब बराबर करने का अच्छा खासा मौका भी है, जबकि बांग्लादेश की टीम भी अपनी लय को बरकरार रखना पसंद करेगी। भारत की अंडर-19 टीम को 2020 के विश्व कप फाइनल में बांग्लादेश से मिली हार याद रहेगी। ऐसे में टीम इंडिया बांग्लादेश को हराकर अपना हिसाब चुकता करना चाहेगी, काफ़ी हद तक बांग्लादेश के सफर को समाप्त कर देगी। भारत आज अगर क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को हरा देता है तो बुधवार को सामना सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने एक अन्य क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को 119 रनों से करारी मात देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह यहाँ पर बनाई है। बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर प्रदर्शन के दम पर पाकिस्तान को अंडर-19 विश्व कप में क्वार्टर फाइनल में 119 रनों से हरा कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने अब सेमीफाइनल में होगी भारत पाक की टक्कर, अब हमें देखने को नहीं मिलेगी अंडर-19 वर्ल्ड कप में। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि अंडर-19 वर्ल्ड कप में जरूर भारत और पाक की टक्कर एक बार सेमीफाइनल में और हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ऑस्ट्रेलिया ने पारी फेरा इस पूरे उम्मीदों पे। ऑस्ट्रेलिया ने मैच से पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 276 रन बनाए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान की ब्रो टीम सिर्फ 35.1 ओवर में 157 रन पर ही ढेर हो गई। अगर पाकिस्तान को यह मुकाबला जीत लेता तो फिर सेमीफाइनल में भारत से टक्कर हो सकती थी। हालांकि अब ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल में मुकाबला भारत और बांग्लादेश के बीच आज होने वाला आखिरी क्वार्टर फाइनल की विजेता टीम से होगा। भारत और बांग्लादेश 2020 के फाइनल में एक दूसरे से भिड़े थे, जहां बांग्लादेश ने भारत को हरा कर विश्व कप का खिताब अपने नाम करा था। इस मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान कासिम अकरम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दोनों सलामी बल्लेबाज कैंपबेल और केलावी और टिग विले ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया। दोनों ने पहले विकेट के लिए 16.4 ओवर में 86 रन जोड़े। इस स्कोर पर कैंपबेल 47 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन विली डटे रहे। उन्हें जल्द ही इस अंडर-19 विश्व कप का अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया। वो 38वें ओवर में 71 रन बनाकर आउट हुए। कोरी मिलर ने 3 नंबर पर आकर 64 रन ठोके। इन 3 बल्लेबाजों के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 276 रन बना डाले। बात करेंगे अब पाकिस्तान के किस तरीके से उनका चेज यहाँ पे रहा। 277 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान की शुरुआत काफ़ी ख़राब रही। उसने 5 ओवर के भीतर ही अपने 2 सलामी बल्लेबाज मोहम्मद सहजाद और हसीबुल्ला खान के विकेट गंवा दिए। पाकिस्तान की टीम इन झटकों से उभर नहीं पाई और 1 के बाद 1 विकेट गिरते गए। 100 रन के अंदर ही उसके 7 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। इसके बाद पूरी टीम सिर्फ 35.1 ओवर में 157 रन पर लौट हो गई। पाकिस्तान के 5 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। बेहतरान
मेहरान मुमताज ने सबसे अधिक 29 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए विलियम सेल्जम ने 3 और टॉम वाइटनी और जैक सिनफील्डर ने दो दो विकेट अपने नाम करे। जी हाँ, बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड की। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज में चल रहा है। अब वहाँ बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं नॉकआउट आउट मैच जहाँ पे चल रहे हैं, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल। जो मैच जो टीम मैच हारेगी वो सीधे कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। और पिछली बार की विजेता बांग्लादेश की टीम इस बार एक और बार यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ने इंडिया से भिड़ेगी। और देखना, काफ़ी दिलचस्प होगा मैच। लेकिन हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान के सभी उम्मीदों पे पानी फेर दिया ऑस्ट्रेलिया ने एक और बार। 119 रनों से यहाँ पे उन्हें मात दिया अंडर 19 में। पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे 276 रनों का स्कोर खड़ा किया, 7 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर्स में, जिसमें कैंपबेल केलावे ने यहाँ पे आगे स्टार्टिंग करते हुए 47 रन का यहाँ पे अपना निजी स्कोर बनाया, 63 गेंदों का सामना करा, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का हमें देखने को मिला। उसके बाद टैगी वाइले यहाँ पे बैटिंग करने उतरे थे, उन्होंने 71 रन बनाए, 97 गेंदों का सामना करा, 8 चौके में शामिल थे, 73 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। तो उनका विकेट जो लिया था वो एवैसी अली ने लिया था। यहाँ पाकिस्तान की ओर से कोरी मिलर, इनका 64 रन का योगदान रहा, 75 गेंदों का सामना करा, 5 चौके 1 छक्का देखने को मिला। कूपर कॉनली ने यहाँ पर 33 रन का योगदान दिया, 25 गेंदों का सामना करा, 4 चौके में थे। लंचन सॉ ने यहाँ पर कोई रन नहीं बनाया, एडन चाली ने 18 रन बनाए और विलियम सलजमान ने यहाँ पर 25 रन का योगदान दिया। और वहीं बात कर लेते हैं पाकिस्तानी गेंदबाजी की ओर से, कि सिर्फ 7 ही विकेट निकाल पाई 50 ओवर्स में, और 276 रन कैसे यहाँ पे बनाने में कामयाब रही ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो बात कर लेते हैं कसीम अकरम ने 10 ओवर में हमें 40 रन देकर 3 विकेट अपने नाम करे। सबसे सफल गेंदबाज हमें पाकिस्तान की ओर से, जिन्होंने 3 विकेट अपने खाते में करे, 4 की इकॉनमी से उन्होंने रन दिए और काफ़ी किफ़ायती कसीम अकरम रहे, जो कैप्टन भी हैं यहाँ पर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर। 10 ओवर में 40 रन देकर 3 विकेट अपने नाम करे। उन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पे एज ए फ्रंट लाइन कैप्टन होने के नाते और फ्रंट लाइन गेंदबाज होने के नाते भी पूरी भूमिका यहाँ पे निभाई। जीशान शमी ने 9 ओवर में 76 रन दिए, 1 विकेट अपने नाम करा। अहमद खान ने 5 ओवर में 22 रन दिए हैं। अवैस अली ने 8 ओवर में 46 रन देकर 2 विकेट अपने नाम करे। महराज मुमताज के खाते में भी 1 विकेट आया है। जीशान शमी ने भी 1 विकेट लिया। जी हाँ, बात करें तो पाकिस्तान की इनिंग की, पाकिस्तान की इनिंग से यहाँ पे जब उतरी तो 157 रन पे अपने सारे 10 के 10 विकेट गवा दिए और 35.1 गेंद पर सारे के सारे विकेट यहाँ पे पाकिस्तान के अंडर टीम ने अपने सारे विकेट यहाँ पे गवा दिए। मोहम्मद शहजाद जो बैटिंग करने उतरे थे आसिफुल्ला खान के साथ, उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा बड़ा स्कोर दिया नहीं। 16 रन के निजी स्कोर पर पाकिस्तान को पहला झटका मोहम्मद शहजाद के रूप में लगा, फिर 27 के स्कोर पर आसिफुल्ला खान के उस पर लगा। इन दोनों ने 9 रन और 10 रन का योगदान दिया। अब्दुल्ला फसीह ने यहाँ पे थोड़ी सी पारी को संभाला, 28 रन का योगदान की, 244 गेंदों का सामना करा। जब पारी यहाँ पे लग रही थी कि गिरने वाली है तो अब्दुल फसीह और इरफान खान ने पारी को संभाला, 28 और 27 रन की पारी खेली दोनों ने, और कहीं ना कहीं अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे देखने को मिली। जब 27 पे 2 विकेट गिर गए थे, उसके बाद 77 रन तक इन दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभाल के रखा। और कहीं ना कहीं उसके बाद इरफान खान आउट होते हैं, फिर अब्दुल फसीह, अब्बास अली, कसीम अकरम, मोहम्मद सदाबख्त, उसके बाद सारे के सारे विकेट यहाँ पे जल्दी से जल्दी निपटा देते हैं और कोई बल्लेबाज एंड तक नहीं टिक पाता है, जिसकी वजह से अंडर 19 में पाकिस्तान का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। ऑस्ट्रेलिया ने 119 रनों से लीग सुपर वाले में कहीं ना कहीं लीग के क्वार्टर फाइनल 3 मैच में हरा दिया।